चौथा नाभिकीय ऊर्जा आपको ज्ञात है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं वैज्ञानिकों ने अध्ययनों से यह ज्ञात किया कि किसी पदार्थ के परमाणुओं के केंद्र में स्थित नाभिक असीमित ऊर्जा के भंडार हैं इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा को दो प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है ये हैं नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन ब नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन अ नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमवारी करवाकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के उत्पादों के द्रव्यमान मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में एक करोड़ गुनी अधिक होती है विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन जब यूरेनियम 92 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग दो बराबर खंडों में टूट जाता है तथा इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा एवं तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी विखंडित कर देते हैं इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही तेजी से चलती रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता नाभिकीय विखंडन की इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 01 नाभिकीय विखंडन के बाद बेरियम 56 139 प्लस क्रिप्टॉन <rêves> 3694 प्लस 3 न्यूटॉन्स 01 प्लस ऊर्जा श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं पहला अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन दूसरा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब तीन नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं ये न्यूट्रॉन पुनः तीन यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक परमाणुओं से तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं विखंडन की यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है तथा कुछ क्षणों में ही समस्त पदार्थों का विखंडन हो जाता है इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा एक प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है नियंत्रित अभिक्रिया नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कार्यों में किया जाता है। नियत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा ऐसा प्रबंध किया जाता है जिससे प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए इस प्रकार इस अभिक्रिया में नाभिकी विखंडनों की दर नियत रहती है अतः अभिक्रिया धीमी गति से होती है नाभिकी है। नाभिकी विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकी ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक घातक कणों में क्षयित होता है यदि नाभिकी अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण दूषित हो सकता है इसके अतिरिक्त नाभिकीय विकर्णों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रबल खतरा तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बड़े स्तर पर नाभिकी ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं ब नाभिकी विखंडन पर आधारित हैं, परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकी संलयन कहते हैं द्वारा भी नाभिकी ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है हाइड्रोजन वन टू प्लस हाइड्रोजन वन टू संलयन के बाद हीलियम टू फोर प्लस ऊर्जा लगभग ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स मिलियन वोल्ट इसमें विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है ऊर्जा निकलने का कारण यह है अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए मिलियन कोटि कैल्विन ताप तथा मिलियन कोटी पास्कल दाब की आवश्यकता होती है नाभिकीय ऊर्जा के लाभ पहला यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है दूसरा अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है हानि अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक हैं।